भगवान जी, आप तो जानते हैं ना कि मेरी शादी श्लोक से हुई है। बस ये सच मैं सबके सामने ले आऊं। सुमित, अगर पंखुड़ी दी ने अभी आवाज ना दी होती ना तो रंगे हाथों पकड़ी जाती हो, पर वो धागा उठाएगी जरूर और तब सबको पता चल जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। आपने बुलाया? रेडी हो जाओ, 12 बजे तुम्हारी मुंह दिखाई की रसम है। मुंह दिखाई? पर ना तो मम्मी जी मुझे बहू मानती हैं, ना श्लोक पत्नी, फिर मुंह दिखाई की रसम कैसे? ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है जहाँ तुम दनदनाते हुए सवाल करोगी और तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। और इतना ही जानने का मन है तो चाची से पूछ लो। अपनी आलीशान मायके में तुमने मेरा मजाक बनाया था ना, अब उस मजाक का बदला मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई का तमाशा बनाकर ना लिया तो मेरा नाम भी पंखुड़ी नहीं। जब रिश्ता ही नहीं मानते तो मुंह दिखाई कैसे? तुम्हारे घर वालों ने मेरे लिए मुंह दिखाई की रस्म कैसे रखवा दी? पता नहीं। बताओ। सुमित बॉक्स छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगी। सुमित बॉक्स छोड़ो मैं कह रहा हूँ। नहीं छोड़ूंगी, बताओ। सुमित बॉक्स छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, बताओ। रोक सके तो रोक लो मुझे। तुम डर लग रहा है हाँ कि मेरे मुंह दिखाई में मेरे साथ क्या हो जाए? डर लगना भी चाहिए क्योंकि इस घर में घुस के ना तुमने मधुमक्खी के छत्ते में घुसने का रिस्क लिया है, तो भुगतो। सुमित की मम्मा ने ना उसको डरना नहीं लड़ना सिखाया है। मैंने भी कमर कस ली है, देखते हैं क्या होगा मुंह दिखाई में। रौनक भैया, ये लीजिए, सूप पीजिए, फील बेटर। थैंक यू। आज आपको आपकी दुल्हन की मुंह दिखाई की रस्म के लिए भी जाना है ना? फानी बेटा, तुमने इस घर को और हम सबको बिल्कुल एक बेटी की तरह अपना लिया है, तभी तो खुद से पहले अपने देवर की मुंह दिखाई कर रही हो। पर देखना, तुम्हारी मुंह दिखाई भी हम धूमधाम से करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। एक तुम हो और दूसरी तरफ है तुम्हारी बहन सुमित, अब तुम ही उसे समझा सकती हो। आप टेंशन मत लीजिए मम्मी, मैं सुमित को समझा दूंगी। भाभी, I'm sorry, लेकिन अगर सुमित ने अपनी बात नहीं मानी तो इस मुंह दिखाई की रस्म का मतलब क्या हुआ? बहुत कर ली उसने अपनी मनमानी, अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं मानती। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।